गाइज, आज मेरा SFD BMD से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। अगर दो वीडियो नहीं देखे तो जाकर आप सबसे पहले उसे देख लीजिए। आज का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहेगा और आज का जो सिंपल सपोर्टेड बीम होती है उसकी पूरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम दे रखी है और इस पर एक UDL फोर्स लगे हैं 2 kN/m का, और इस पर एक पॉइंट लोड भी लगा है, और फिर इधर आपकी UDL फोर्सेस लगे हैं। ओके, डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर, ऐसे यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ 2 मीटर मैंने लिख रखी है। ठीक है, अभी एक्स क्या है तो नीचे मैं बताऊँगा। SFD जहाँ साइन चेंज करता है वहाँ से लम डाला हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको गिवेन है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन से आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ये मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ। तो आइए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन निकालते हैं। ओके, RA और RB का रिएक्शन कैसे, सिग्मा V बराबर 0 से हम RA RB का रिएक्शन लेंगे। तो सिग्मा V बराबर 0 मैं बताया ही था, थोड़ा आज मॉडरेट लेवल रहेगा। तो RA प्लस RB नीचे की तरफ फोर्स बराबर ऊपर की तरफ, RA प्लस RB ये नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ भी फोर्स लग रहे हैं बराबर। यहाँ पे देखिए 4 kN/m का कितने डिस्टेंस, 2 मीटर, तो 4 × 2 = 8, 8 तो यहाँ पे लग गया 4 × 2, प्लस यहाँ पे देखिए 2 kN/m का लग रहा है कितने पर, 3 और 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पे, तो 4 और 2 यानी 2 × 4, प्लस ऊपर से 3 kN का पॉइंट लोड लग रहा है, प्लस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 19 kN आ जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाइए, और सिग्मा एम बराबर 0 से यानी मोमेंट बताया ही था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में, एट पॉइंट ए के प्रति आप मोमेंट ले लीजिए सभी बलों का। ओके, तो कैसे लेंगे, तो RB इंटू लंबवत दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 3 और 2 = 5, 3 8 1 9 1 10, यानी RB इंटू 10। अब फिर अब 4 kN का लेंगे इसके पड़ता, तो 4 दो मीटर पे लगा है, तो 4 × 2 = 8, और ये आधे पे काम करेगा तो 1 यहाँ, ठीक, यहाँ से आधे पे काम करेगा ना, तो 2 का आधा 1 1। ओके, 1 3 1 4 3 7 2 9, यानी 8 × 9, देखिए मैंने लिखा है माइनस 8, माइनस क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो -8 × 2 पे लग रहा है ना, तो 2 का आधा और प्लस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8। ओके, फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 kN का फोर्स लग रहा है 4 पे, 3 मीटर और 1 मीटर, 4 पे, तो 4 × 2 = 8, यानी 2 × 4 कर दिया हूँ, इंटू 4/2, क्योंकि आधे पे काम करेगा तो इसके आधा तो निकल ही जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर, तो प्लस 1 कर दिया हूँ, -3 पॉइंट लोड है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, तो 3 × 2 = 0। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटेगा 1 9 8 72, और यहाँ बचेगा आपके 2 1 3 4 3 12 × 2 = 24, 3 × 2 = 6, और RB = इसे ऐड करेंगे तो 102/10 = 10.2 kN। ऐड क्यों करेंगे, इधर जाएगा तो सभी पॉजिटिव हो जाएगी, इधर भी अगर कर सकते हैं माइनस को कॉमन करके बीच में पॉजिटिव आएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10.2 kN RB का मान, इक्वेशन जब एक में रखेंगे 10.2 kN RB का मान, तो यहाँ से RA का मान 8.8 kN आ जाएगा। तो आपका RB का मान 10.2 kN और RA का मान 8.8 kN, दो निकल गए। अब बात आती है अब इसकी SFD कैसे निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखे हैं मैंने फॉर SFD, अब यहाँ पे लिखे हैं SF एट पॉइंट B। इस पॉइंट B की बात करेंगे तो इस पर इसके दाहिने और कितने फोर्स हैं, कोई फोर्स नहीं है, इसी पे एक है 10.2 का, ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव लिखा है 10.2 kN। उसके बाद यहाँ C पे निकालेंगे तो इसके दाहिने तरफ एक तो RB है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक UDL फोर्स लगा है, तो नीचे की तरफ काम करेगा, तो देखिए 10.2 पॉजिटिव ऊपर की तरफ, -4 × 2 क्योंकि 2 मीटर पे है, तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8, यानी 2.2 kN। ओके, अब लिखेंगे SF पॉइंट D, अब इस D पर कितना लगेगा, तो इसके दाहिने तरफ कितने फोर्स है, 1 और 2 ही फोर्स लगे हैं, तो देखिए इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट आगे से मैं आप थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। SFD = नीचे से ऊपर की तरफ प्लस 10.2 ऊपर, -4 ×
8, यहाँ से घटा तो 2.2, यानी इसके बीच में तो कोई फोर्स लगे नहीं है, यही फोर्स है ना, तो इसका जो मान है वही यहाँ पे SFD का भी मान रहेगा। अब निकालेंगे SF बिफोर पॉइंट E। अब आप बात करेंगे अजी सर जी कि ई पे आप ई के पहले क्यों निकाले, ई पे क्यों नहीं निकाले, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, इसीलिए आप पहले ई से पहले निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट लोड को जब काउंट करेंगे तो ई पे रहेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने लिखा है SF बिफोर पॉइंट E, ई से पहले कितना आएगा उसे लिखा है SF E डैश। ओके, तो यहाँ तक आपका फोर्स कितना निकला था, 2.2 निकला था, तो 2.2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 × 6 यानी 6, यानी ई से पहले, ई से पहले का अर्थ यही है कि ई को काउंट नहीं करेंगे, तो -6 नीचे की तरफ, जब इसे सॉल्व करेंगे तो -3.8 किलो न्यूटन आ जाएगा SF E डैश। ओके, अब बात करते हैं, चूंकि पॉइंट लोड है, मैं बताया भी था SFD बनाते समय जहाँ पॉइंट लोड होता है सडनली चेंजेज आते हैं, तो सडनली चेंज आएगा ही, तो अब SF एट पॉइंट E, जब E पे लिखेंगे तो पॉइंट E पे ही निकाल रहे हैं ना, तो इसको भी काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपका कितना, E से पहले कितना आया था, -3.8, तो -3.8 -3, क्योंकि नीचे की तरफ है -3, तो आएगा 6.8। ओके, अब इसे आप अलग अलग भी करके इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं SF एट पॉइंट F डैश। F डैश क्यों लिखा जी, क्योंकि देखिए SF शियर फोर्स, इसीलिए इसको भी मैंने F डैश बना दिया है। अब इस पे शियर फोर्स कितना आएगा, यहाँ तक तो आपके आ गए हैं -6.8, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, 2 किलोन्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो 2 किलोन्यूटन का यहाँ से नीचे की तरफ है और ए है, तो दोनों साइन निगेटिव है, तो एड होगी, तो -8.6 किलोन्यूटन एफ पे निकल जाएगा आपका। ओके, अब बात करते हैं SF एट पॉइंट ए, ए पे कितना आएगा, तो यहाँ तक तो कोई फोर्स लगा नहीं है, हाँ इस पे लगा है, बट यहाँ तक इधर से कितने आए हैं, -8.8, नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव +8, यहाँ 0 होगा। अब आते हैं इसके डाइग्राम के, ये जो है आपका SFD का डायग्राम है, और नीचे का है वो BMD का डायग्राम है। B पॉइंट पे कितना हमने निकाला था, 10.2, तो B पॉइंट पे 10.2 यहाँ ले लेंगे। C पॉइंट पे, अब देखिए जो है ना, ये कच्ची पेंसिल से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी के बिल्कुल इस पे, इस बीम पे लंबवत। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो इस पे चले जाएंगे 10.2। अब फिर C पॉइंट जो लाइन ड्रा किए हैं उस पर कोई पॉइंट लेंगे, अब इस पर कितना आएंगे, तो देखिए SFC पे कितना है, 2.2, यानी यहाँ से 2.2 पॉजिटिव है, तो बीम के ऊपर पॉजिटिव और इसके नीचे निगेटिव आप लगा लेंगे साइन मार का। ओके, तो यहाँ पे 2.2 को किसी अंदाज से 18.2 इतना है, तो लगभग उसके अंदाज से, तो यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे, और ये UDL फोर्स लगा है ना, तो UDL में बोला था कि SFD में क्या आती है, लीनियर चेंजेस, तो लीनियर चेंजेस आ रही है। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्सेस है, कोई फोर्स नहीं है, तो मैंने बोला था कि कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट आया D तक। ओके, अब बात करते हैं E तक कितना निकाले हैं, तो SF पॉइंट E, D तक तो यही है, तो SF पॉइंट E बिफोर E, E के पहले, यहाँ तक E के पहले UDL लग रहे हैं, तो E के पहले देखिए फोर्स आपका आया, ई से पहले ना ए है, -3.8 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे 3.8 किलो न्यूटन लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ UDL लग रहा है, तो आपको लीनियर चेंजेज आएगी। ओके, रेखीय परिवर्तन। अब फिर आ रहे हैं ई पे, तो सडनली चेंज, 3.8 से कितना हो जा रहा है, 6.8 माइनस में, तो इधर नीचे 6.8। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या है, UDL है, तो UDL में भी लीनियर चेंजेज आए हैं। अब देखिए SF एट F डैश पे कितना है, -8.8, तो -8.8 इस पर मार्क लगाएंगे और लीनियर चेंजेज लाएंगे। और फिर यहाँ से यहाँ कोई फोर्स नहीं है, तो एक समान रूप से स्थिर कांस्टेंट जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ 0 है, तो इसे आप मिला देंगे। ओके, तो यह सबका SFD का डायग्राम बन गया। अब बात करते हैं BMD कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताया था कि अगर आप सिंपल सपोर्टेड बीम लिए हैं तो MA और MB का मान 0 होगा, लास्ट 0 का मोमेंट। ओके, ऐसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो MB और MA का कोई चक्कर नहीं है। अब MC निकालेंगे, यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा, तो RB इंटू लंबवत दूरी 2, यानी 10.2 इंटू 2 माइनस, देखिए माइनस 4 है ना, 4 4 अदूनी 8
अधू का आधा एक, ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे 12.4, ओके, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब बात करते हैं एमडी, एमडी पे कितना आएगा, तो 10.2 इंटू 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 2 और 3 5, तो 10.5 हो गई, माइनस ऊपर से नीचे की तरफ है, तो 4 × 2 = 8, और इसका आधा एक रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ 3 है, तो 3 × 1 = 4, यानी 8 × 4, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एम डी का मान 19 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं एम ई, आप कहेंगे सर एक्स का क्या, एक्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस से माइनस हो रहा है ना, तो मैं एक्स को बाद में निकाल कर दिखा रहा हूँ, पहले जो पॉइंट इसमें गिवेन है, जो डिस्टेंस गिवेन है, उसको निकाल लेते हैं। तो एम ई निकाले हैं, तो 10.2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 × 3 = 6 = 2 = 8 हो गया, ओके। अब फिर बात करते हैं इसको निकालेंगे, तो 4 × 2 = 8, और इसकी आधी एक, ये तो एक रहेगी, और प्लस ये 3 × 1 = 4, और 4 × 3 = 7, तो 8 × 7, ओके। माइनस क्यों लगा रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं ना, इधर से ऐसे जा रही है ना, तो ये आपकी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव बताया था, और ये सब क्लॉकवाइज मूव करेगी इसके, तो ये सब जब क्लॉकवाइज करेगी तो इसे मैं निगेटिव बताया था, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव लग रही है। अब देखिए -6 × 1.5, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यूडीएल है, कितने पर, 3 पे है, तो 3 × 6, और इसका आधा, 3 का आधा 1.5, ओके। तो जहाँ तक ये टॉपिक भी क्लियर हो, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 16.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, मोमेंट का ये यूनिट होती है, ओके। अब बात करते हैं एमएफ, एमएफ एफ पे कितना लगेगा, तो 10.2 × 9 9, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए 3 × 1 = 4 3 × 7 = 9, फिर ऐसे इसका करेंगे तो 4 × 2 = 8 × 8 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 9 है, तो 2 है ना इसका आधा, एक घटा देंगे ना, तो 8 × 8, माइनस, वीडियो पॉज करके अच्छे से आप समझ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, अब बात आती है यहाँ से यहाँ तक, ये यूडीएल फोर्स लगे हैं, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, 3 × 1 = 4 पे है, तो 4 × 2 = 8, और 4 का आधा 2, 8 × 2 = 2, ये आपका 8 × 2 है, ओके। अब ये है 3, और यहाँ से यहाँ लंबवत दूरी कितनी है 1, तो 3 × 1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8.8 आएगा। ये हमें कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे समझ सकते हैं, फिगर के अनुसार 0 ही आएगा। तो जहाँ तक हमें ये समझ में आ रहा है कि जो गिवन पॉइंट है आप इस पर निकाल सकते हैं मोमेंट कैसे, अब देखिए यहाँ पे आपको एक अलग कॉपी पे मैंने दिखा रखे हैं, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट mx, जो x पे हमने मान लिया कि mx है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, तो इसके लिए आप कैसे कर रहे हैं, देखिए mx इज इक्वल टू यहाँ पे 10.2, चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लेंगे तो 10.2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसे हम x पॉइंट मान ले रहे हैं, तो x है, तो फोर्स इंटू लंबवत दूरी, माइनस यहाँ से यहाँ यूडीएल फोर्स लगे हैं 2 पे, तो 4 × 2 = 8, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, चूँकि यहाँ से आधे पे काम करेगा, ये 1 मीटर है, टोटल x है, तो x में से 1 घटा देंगे, तो x माइनस 1, ओके, 4 × 2 पे लगा है, माइनस अब यहाँ से यहाँ फोर्स कितने लगे हैं, ओके, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का लगा है, ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए टोटल x है, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, और यहाँ से यहाँ 2 है, 3 × 2 = 5, x माइनस 5 डिस्टेंस है, ओके। तो 2 × x − 5 × ये इसके आधे डिस्टेंस पे काम करेगा, x माइनस 5/2, ओके। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10.2x तो होगा ही, 4 × 2 = 8 तो होगा ही, 2 से 2 कटेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये समीकरण आप इसे 2 बनाइए। आपको बताया था मैक्सिमम के लिए एक बार अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसको dmx/dx करेंगे, तो इसको हम अवकलित करना भी बताए थे कि x के पावर 1 है तो 1x पे 1 − 1, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यानी 10.2, माइनस इस पे 1 घात मानिए, तो ये भी इसका मान 1 होगा, 8 हो जाएगा, इस पे 2 घात है ना, तो आगे जाएगा 2x − 5 पे 1 घात हो जाएगा, ओके। तो ये लिखा हूँ डिफ्रेंशिएशन, इसको थोड़ा और तोड़ कर भी कर सकते हैं, स्क्वायर पे 10x, तो फिर इसको आप करेंगे तो फिर और थोड़ा आएगा, ओके। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे तोड़कर भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन की बात है, तो इतना आ जाएगा, और मैक्सिमम के लिए इसे 0 करेंगे dmx/dx को, और तब इसे लिखेंगे
10.2 - 8 - 2x + 10। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.1 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 6.1 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब इस पर हम मोमेंट निकाल लेंगे, यानी इसका मान हम समीकरण दो में रखेंगे। तो देखिए 10.2x है तो 6.1 - 8 और 6.1 - 1 - 6.1 - 5 का वर्ग। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20.21 kN·m आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, अब आते हैं डायग्राम बनाते हैं बीएमडी। ये बीएमडी डायग्राम है, पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए बी पॉइंट पे जीरो था और यहाँ सी पॉइंट पे कितना हमने निकाला है 12.4। ओके, यहाँ से यहाँ यूडीएल फोर्स लगा है, तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने हमने कर्व में मिलाया है। ओके, अब फिर बात करते हैं डी। डी पे कितना आया है मेरा 19, यहाँ पे लिखा भी है 19। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स लगा है, कोई नहीं, तो इसीलिए लीनियर चेंजेज इसमें आएगी बीएमडी में। ठीक है, लीनियर चेंजेज आ रही है ना। अब फिर बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया है वहाँ कितना निकाले हैं 20.21। तो 20.21 लिखेंगे क्योंकि इस पर यूडीएल है तो कर्व रूप में मिलेगा। फिर ई पे कितना निकाले हैं, तो एम ई पे निकाले हैं 16, क्योंकि इस पे भी यूडीएल लगा है, पॉइंट लोड तो लगा ही, बस यूडीएल दोनों के साथ काउंट करेंगे, यहाँ भी कर्व बनेगा। फिर एफ पे देखेंगे तो एफ पे कितना है 8.8, फिर यहाँ भी कर्व बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड के सापेक्ष में ही लिया गया है, तो यहाँ से यहाँ देखिए पॉइंट लोड भी नहीं लगा है, यहाँ तो नीचे से वो भी पॉइंट लोड ही माना जाएगा। तो किसकी बात कर, एम ए की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ जीरो है तो इसे लीनियर में मिला देंगे। ओके, तो ये आपका रहा बीएमडी। जहाँ तक हमें संभव है, अगर आप इसे अच्छे से देखें तो थोड़ा ये मॉडरेट लेवल था, अगर ये अच्छे से देख लिए तो आप समझिए कि सिंपल सपोर्टेड बीम के एसएफडी बीएमडी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को समझने में, इस बात को समझने में, तो आप डालेंगे डिस्क्रिप्शन में ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना ईमेल डाल दे रहा हूँ, उस पर किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। ओके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। देखने के लिए धन्यवाद।